सबको राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? जैन बढ़िया साहब, बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। बढ़िया बढ़िया। जी। गर्मी का मौसम है, देर कर देते हैं लोगों ने हमें थोड़ा सा। चलो, और आप कैसी रही यात्रा जैन साहब? जैन साहब, आपकी यात्रा कैसी रही? जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। 4-5 दिन के लिए बॉम्बे गया था मैं, तो आ गया अच्छा था अच्छा कल अच्छा रात में। चलो, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बम्बई तो आपकी बेटी है ना, हाँ जी, हाँ जी, जाती रहते हैं आप भी महान है, इसमें कोई जी दिखाई। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, कोई आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अच्छी बात है। हम टाइम को क्यों वेस्ट करें? कल हमने 5 नंबर, हमने कल देखिए, कल हम बता रहे थे, हमने बताया था 4, 9, 2, 3। अब मैं आज आपको मैं बताता हूं 5, 6, 7, 8, 9। कल मैंने आपका एक रिपीटिशन का कार्य किया था और उसमें वास्तु के बारे में भी मैंने काफी कुछ जानकारी दी थी, और आज मैं रिपीट कर रहा हूं, चालू करता हूं 5 नंबर से। दोस्तों, मैंने वास्तु का कल सारा रिपीट कर दिया था, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, जिससे कि किसी को, फिर मैं एक वास्तु के दृष्टिकोण से और बता रहा हूं आप लोगों को कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे वास्तु को देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई पैनल नहीं है। देखिए दोस्तों, सब में बड़ी बात तो है, ये ज्ञान ईश्वरीय देन होता है, आपकी मेहनत होती है, ईश्वर की कृपा। हम लोग तो एक टीचर, एक आपके सहायक होते हैं। मैं तो अपनी गिनती एक टीचर के रूप में लेता हूं। दूसरा, मैं ये बताता हूं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, देखिए, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, डेट ऑफ बर्थ को लोसो ग्रिड के हिसाब से चार्ट में करो, और जहां पे भी जो भी अंक मिस होगा, इसका मतलब ये है उस जगह पे, उस ग्रह से संबंधित, उस दिशा से संबंधित आपकी कमी पाई जाएगी। जैसे मैं 5 नंबर पे आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कुछ हमारी बहुत भ्रांतियां हैं, हम लोग भ्रांतियों के पीछे अज्ञानता है, और अज्ञानता के पीछे एजुकेशन का अभाव है, इसलिए हमारे मन में भ्रांतियों का वास होता है, और भ्रांतियों का वास होना एक जायज है, लेकिन उस कमी को निकालना या पकड़ना हमारी एजुकेशन हमारे साथ है। जैसे 5 नंबर का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। अब कुछ लोग कहते आ रहे हैं 5 नंबर पे रख लो, इसका कोई दुश्मन नहीं होता। हमने इसका बारीकी से अनुभव करा और हमने कई लोगों को बताया, कई लोगों ने नाम को बदला, और बदलने के बाद उसका जो एनालिसिस हुआ, उसका प्लस हुआ है। देखिए, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको आपको चिंतन तो करना पड़ेगा और अपने को बदलना पड़ेगा, जब भी इस साइंस का फायदा है। जैसे 5 नंबर हमारा बुध होता है और 2 नंबर हमारा चंद्रमा होता है, ये तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर एक मानव ने ही सब कुछ बनाई है। इसके पीछे मतलब यही होता है, जैसे 4-8 का, 4-8, 4-9 का, मंगल और राहु, अंगारक दोष। अब हमने ये तो पढ़ लिया, रट लिया, 4-9, 4-9, लेकिन ये नहीं समझे, जब किसी व्यक्ति के साथ मंगल और राहु का आपस में बैर होता है, अगर राहु कंट्रोल में आता है तो मंगल के ही आता है, ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को क्या परेशानी सहन करनी पड़ेगी। दोस्तों, संसार में जो कुछ भी है वो सत्य है, असत्य नहीं है, बस सोचने का तरीके है सत्य। राहु और मंगल का अंगार दोष, इसका मतलब यही होता है कि राहु और मंगल कहीं एक साथ होंगे, राहु उत्पात मचाएगा और मंगल उसकी पिटाई करेगा। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हादसा हो सकता है।
जिसमें रक्त का चोटना चोट का घटना का दुर्घटना का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, देखिए अब हम 5 नंबर को ले रहे हैं। 5 नंबर ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान। ये ऐसे व्यक्ति ये यहां से नेचर लेते हैं, देखिए चंचल स्वभाव के होते हैं, नौकरी व्यापार वाणिज्य लेख लेखा शिल्पा शिल्प व चिकित्सक के कार्य करना पसंद करते हैं। ये हर कार्य को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। ये अधिकतर बुद्धि वाले कार्यों को करने में रुचि रखते हैं। उत्तर दशा इनके लिए शुभ होती है। तर्क करने वाले वाक पटुता होती है। धन दौलत में कमी रहती है। कारोबार में नुकसान होता रहता है। आदमी राजा से रंक हो जाता है। की गई लाख कोशिश बेकार जाती है। जिज्ञासा उत्साह और बुद्धि प्रतिभा की कमी होती है। भीड़ का होना पसंद नहीं होता। कामयाब होने में परेशानी होती है। परिवार व समाज में हेल्प नहीं मिलती। 5 नंबर बुध का है, वाणी का भी कारक है। अगर 5 नंबर किसी का मिस है, वो तुतलाट भी हो सकती है, हकला के भी बोल सकता है, सही नहीं बोल सकता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, झिझक के बोलता है। इन तथ्यों को इस आधार पे जानने का प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अब देखिए, अब ब्रह्म स्थान मिस होने पर होने वाली बीमारियां, मानसिक परेशानी, बेचैनी, अभी मैंने क्या बताया, तुतलाट, अनिद्रा, चेहरे आंखें और हाथों में मरोड़ रहती है, कंधे और बाहों में दर्द रहता है, त्वचा रोग, रक्त संबंधी रोग की संभावना, पेट में गैस व कब्ज रहती है, बुखार, सर्दी, खांसी होती रहती है, पाइल्स, आंखें, गले और नाक की समस्या रहती। ब्रह्म स्थान 5 नंबर मिस होने के उपाय। घर की बुआ बेटी बहन को हमेशा खुश रखें। हमारे रिश्तों में सारी चीजें बताई हुई हैं। हमारी समस्याएं अपने आप खत्म होंगी। दोस्तों, जितने हमारे लोसो ग्रिड में उपाय बताए जाते हैं, ये सारे के सारे उपाय हमारी, अगर एक पीढ़ी ऊपर नीचे जाएंगे, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे हमारे पिता या उनके पिता, ये सारे के सारे उपाय वो रूटीन में सारे के सारे लोग करते थे। क्या सही बात है। ये उपाय हमारे पूर्वज एक रूटीन में नहीं करते थे क्या? बहुत ज्यादा गाय की सेवा करते करना, कुत्ते की सेवा करना, चींटियों को आटा डालना, ये सब करते थे ना। थे, हम अब लोगों हम ने भी लोग किया। भूल, हाँ अब लग हम भूल गए, सब इंसानियत भूल गए। अब हमें परेशानी आने लगी। अब इन्हीं उपाय के नाम के हम पैसे देते, क्योंकि आज हम पैसे की कमाने की भीड़ में लग गए और आज हम इन्हीं के उपाय करते हैं। अगर हम इसको नेचर बना लें, पहले भी भगवान के जाप, ग्रहों के जाप होते थे, स्तुति होती थी। स्तुति होने के पीछे क्या उद्देश्य होता था? कि वो जो भी ग्रह है, जिससे संबंध है, उसकी प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना करने से हमारी मानसिकता में शांति आती थी। जब हमारी मानसिकता में शांति आती थी, तो उस ग्रह की एनर्जी शांत होने शुरू हो। सब टेक्निकल विषय है, सारा का सारा। और हम ये सोचते हैं कोई भी ज्योतिषी, कोई भी ब्राह्मण किसी समस्या को हल नहीं करता। हल आपको ही करनी पड़ेगी, वो आपको समझाएगा और आपको बताएगा। अच्छा, घर की बूटी बुआ बेटी बहन को हमेशा खुश रखते थे। बुधवार को उपवास करते थे। पहले सब उपवास रखते थे, कोई बुध का रखता था, कोई शुक्र का, कोई बृहस्पति का। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता था। आज 80% से ज्यादा लोगों को समस्या क्या है? गैस की। और समस्या क्यों है? क्योंकि हमारा खाने पीने पे नियंत्रण नहीं है। जब हमारे खाने पीने पे नियंत्रण नहीं है, तो गैस की समस्याएं पैदा होती हैं। जब गैस की समस्याएं पैदा होती हैं, तो हमारे शरीर के अंदर और भी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। जब और भी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं और मोटे मोटे पैसे खर्च करते हैं।
तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाओ, भगवान विष्णु की पूजा करें, हरा चारा गाय को खिलाएं, पहाड़ों के पानी के चित्र लगाएं, गाय को आलू खिलाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, ब्रह्म स्थान में झाड़ झाड़ू फंगस लगाने का प्रयास करें। ये मैंने बताया आपको, देखिए ब्रह्म स्थान अशुभ होता है, गड्ढा सीढ़ी पानी की टंकी नल कुआं शौचालय, ब्रह्म स्थान में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान अनुकूल होना चाहिए, खाली ब्रह्म स्थान होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, वहां पे तुलसी का एक पौधा रख देना चाहिए ब्रह्म स्थान में। अब ये हमारा हो गया पांच, अब हम करते हैं बात सात नंबर की। केतु किस चीज का कारक है, सब में पहले आप ये समझिए, देखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज को नहीं पा सकते, लगन का होना, मेहनती व्यक्ति कामयाब नहीं होता, जो लगनशील व्यक्ति होता है वो कामयाब होता है। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत से एक स्थान तो अंकित हो सकता है, लेकिन सफलता मिले या ना मिले ये निश्चित नहीं। अगर आप किसी चीज की लगन के अनुसार पीछे पड़ जाओगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे केतु सात नंबर है, वैदिक में केतु है, अगर सात नंबर किसी का केतु खराब होता है उसके पुत्र होने की संभावना बहुत कम होती है, संतान नहीं होती। और अगर सात नंबर किसी के पास है वो ओगर साइंस में एक्सपर्ट होता है, विज्ञान में एक्सपर्ट होता है, सात नंबर किसी के अगर केतु किसी का वैदिक में कुंडली में अच्छा है तो उसके मुंह से जो शब्द निकल जाता है वो सत्य हो जाता है, उसकी वाणी से निकला हुआ शब्द ईश्वर तुल्य बन जाता है। केतु ज्ञान है कि इन ग्रहों को आप समझ लें कि कौन सा ग्रह वैदिक किसी से सीखेंगे, युक्तियों को जोड़ना तोड़ना तो बात की बात है, पहले हमें ग्रहों की जानकारी होना जरूरी बात है। अगर हमारे को ग्रहों की जानकारी नहीं है ना हम वैदिक में सफल हो सकते हैं ना लोष्टों में सफल हो सकते हैं। सात नंबर केतु वेस्ट दिशा, सात नंबर होने से पत्नी सुख वैवाहिक सुख अच्छा होगा, व्यवसाय में प्रगति प्रदान करेंगे, प्रॉफिट सफलता कंट्रोल्स सब देगा, लेखक साहित्य काव्य रचना आदि कार्यों को करने वाला होता है वेस्ट दिशा। इनका कार्य क्षेत्र यदा कदा परिवर्तन होता रहता है, इसकी इससे वास्तु से आप बीमारियों को भी निकाल सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र यदा कदा परिवर्तन होता रहता है, कल्पना शक्ति के धनी सैर सपाटा पर धन व्यय करने वाले होते हैं, शादी अमीर घर में होती है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। केतु जो है क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है, केतु जहां बैठेगा वहां पे हलचल रखेगा, वहां पे बेचैनी रखेगा। लगन में केतु बैठ जाता है, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उसके मन में बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। इन तथ्यों के आधार पर इन सब बातों को जानना और सीखने का प्रयास करें। वैश्य दिशा सात नंबर मिस होने से धन संग्रह नहीं कर पाते, निराशावादी होते हैं। ये सात नंबर मिस होने पे हमारी वैश्य दिशा में दोष आ जाते हैं, और जब वास्तु दोष आ जाते हैं या ग्रह दोष आ जाते हैं तो ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। धन संग्रह नहीं कर पाते, निराशावादी होते हैं, भाग्य उदय में रुकावट आती है, महिलाओं को दिक्कतें होती हैं, पढ़ाई में वे कार्य में रुकावटें आती हैं, कम बातचीत करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, आसानी से दोस्त नहीं बना पाते, जिद्दी होते हैं, परिवार का सहारा नहीं मिल पाता, संतान के सुख में कमी रहती है। ये सारी की सारी बातें रहती हैं। वैश्य दिशा सात नंबर मिस होने वाली बीमारियां क्या होती हैं? त्वचा बहुत ही संवेदनशील रहती है, पसीना आना ठीक है, पीपल फोड़े फुंसी चकले, एलर्जी, बढ़ती उम्र के साथ बहरापन, सुनाई दृष्टि की समस्या, गठिया उक्त रक्तचाप, कब्ज कमजोर तंत्र, वायरल रोग संक्रामक रोग,
आंख हड्डी व हड्डिया से संबंधित बीमारी होती है, पैरों में तकलीफ, कुष्ठ रोग भी हो सकता है। कुष्ठ रोग का भी कारण केतु होता है। देखिए वेश दिशा 7 नंबर में सोने वाली बीमारी, त्वचा बहुत ही संवेदनशील रहती है, पसीना आना, हाथों में जो पसीना आता है, उल्टिया सीधा खाने में एलर्जी होती है, बढ़ती उम्र के साथ बहरापन, सुनाई दृष्टि की समस्या होती है, गठिया रक्तचाप कब्ज कमजोरी, आंखें हड्डी पैरों में तकलीफ, कुष्ठ रोग भी हो सकता है। इनके उपाय, भगवान गणेश जी की आराधना करें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, काले कुत्ते को रोज रोटी खिलाएं, अपने हाथ में एक गोल्डन वॉच पहने, तीर्थ यात्रा करना भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के नीचे काले घेरे न पड़ने दें, केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, मछलियों के आटे की गोली खिलाएं। केतु से संबंधित उपाय करेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। 8 नंबर, 8 नंबर क्या है? शनि। शनि क्या होता है? शनि न्यायाधीश नहीं है दोस्तों, बार बार एक ही बात कहता हूं, हमें जिस काम में शनि का काम क्या है, धीरे करना। अब उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति तेजी से काम करता है, एक धीरे करता है, तो तेज काम करने वाले को धीरे वाला बुरा दिखाई देगा और धीरे वाले काम करने वाले को तेज बुरा दिखाई देगा। नजरिया तो फर्क है। फिर बार बार बताता हूं, हर ग्रह का अपना प्रभाव होता है। शनि क्या होता है? शनि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। अब शनि की दशा, अगर शनि हमारे पास है, जीवन में सुख शांति रहती है। ये जब शनि की किसी पे दशा सारसती चलती है, इन्हें सबको जानो, जब शनि की सारसती चलती है तो व्यक्ति पे कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है, क्योंकि शनि जो आपने जीवन में बुरे कृत्य करे हैं, जाने में अनजाने में हो गए हैं, उनका फल मिल रहा है। आप ज्योतिष लालच के हिसाब से पढ़ते हैं कि ज्योतिष पढ़ेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, कुछ ठीक कर लेंगे, तो ये आपका मिथ्य है। ज्योतिष एक साइंस है, जो आपने जीवन में बुरे कर्म करे हैं उन कर्मों को आप ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। इस तरह से कई लॉजिक होते हैं पढ़ने के और पढ़ाने के। अब देखिए, मैंने बता ही दिया, जीवन में सुख शांति रहती है, ये अंदर से काफी भावुक और दयालु होती है, इनके अंदर त्याग की भावना अधिक रहती है, नाम यश व कीर्ति मिलती है, इनको सफलता देरी से लेकिन मिलती जरूर है, धीरे धीरे करते हैं, यात्रा करना पसंद होता है, लेजी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए वकील का कोट काला, वो भी शनि, और फांसी लगने वाला फंदा, वो भी शनि, न्याय दिलाने वाला जज, फैसला करने वाला, वो भी शनि। अब मैंने क्या बताया आपको, अब तीनों के तीनों शनि हैं। अब जब न्याय करने वाला शनि है, अपराध करने वाला शनि है, और उस लड़ाई लड़ने वाला शनि है, तो गलत कैसे हो जाएगा? अगर जज गलत करेगा तो उसे भी फांसी है, और अपराधी ने गलत करा है तो उसे भी फांसी है, वहां भी शनि है और वहां भी शनि। मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं गहराई से, हम इन बातों को समझते नहीं है, हम कच्ची कच्ची पक्की पक्की खाना पसंद कर लेते, इनके सबके तथ्यों को समझो, शनि का क्या अर्थ है। शनि जब अपराधी बन जाता है तो शनि नशा करना सिखा देता है, और जब न्यायप्रिय बन जाता है तो जज बनना सिखा देता है। अब देखिए ज्ञान की कमी, अगर अगर शनि किसी का खराब है, शनि मिस है, ज्ञान की कमी, पूजा पाठ की कमी रहती है, ब्राह्मण बुजुर्गों के सम्मान में कमी, संतान सुख में कमी रहती है, संतान सुख में कमी रहती है, कॉन्फिडेंस में कमी, संचित धन की कमी रहती है, विवाह में देरी आ सकती है, भारी खर्चा व मानसिक अशांति रहती है, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो आपने देख लिया
जितने लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका शनि मिस है, शनि मिस वाले नशा भी करते हैं, अहम भी होता है, सारी की सारी बुराइयां शनि मिस होने पे पैदा होती है। इसका मतलब है ऐसे व्यक्तियों ने जीवन में कोई ना कोई गलत कार्य किया है। हमारे मोबाइल के नंबर अगर 8-8 आ रहे हैं, जैसे इन सज्जन के आ रहे हैं, 0 का आना हमारे मोबाइल में अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं परम शक्ति से जुड़े होते हैं, भक्ति भाग में विश्वास करते हैं। शनि का ज्यादा अंकों में होना शनि खराब की निशानी है। इनके पास 800-800-11, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे अंशुल जी, आप सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, ईश्वरवादी व्यक्ति हैं जी जी गुरु जी, है या नहीं? हाँ हूँ गुरु जी, देखिए देखिए, अब मुझे तो नहीं पता ना, आपके मोबाइल नंबर से जजमेंट हो गई। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसका मोबाइल देख के आप जज कर लें कि ये कैसा है, तो कितना अच्छा महसूस करेंगे आप। अब जो मैं मोबाइल की क्लास चालू करूंगा, उससे लोशो गिर से कैसे मोबाइल देखते हैं, ना ऐसी क्लास किसी ने चालू करी है अब तक और ना कोई करेगा। मेरी देखने के बाद कोई नकल कर ले तो मैं कहता नहीं। जिस तरह से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में भरते हैं, ऐसे ही मोबाइल नंबर को ग्रिड में भर के उस व्यक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान मिलेगा। 8 नंबर मिस होने पे बीमारियां, आप एक बार मन से पढ़ना शुरू कर देंगे, नकल से नहीं, आपको सारी बातें मिलनी शुरू हो जाएंगी। शनि और चंद्रमा का योग बनता है डिप्रेशन, विष योग, शनि मंगल का ग्रहण दोष, शनि राहु का ग्रहण दोष। इस तरह से जब हम इन बीमारियों को पकड़ने लगेंगे, साइनस में नजले की बीमारी रहती है, डिप्रेशन, किडनी की बीमारी रहती है, मूर्छा व अनिद्रा, उदर विकार, कान का रोग, हमारे पैरों में दर्द, गठिया का दर्द, ये सारे के सारे परेशानियां यहीं से पैदा होती हैं। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बुढ़ापे में गठिया, जोड़ों में संबंधित परेशानी की संभावना, बालों का झड़ना, सिर दर्द, लकवा, पुराने रोग, अस्थमा के दौर आदि। नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर मिस होने के उपाय, ईशान कोण में दोष होने पे गुरु यंत्र स्थापित करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें, नॉन वेज ना खाएं, शिव उपासना करें, रुद्राक्ष धारण करें, नॉर्थ ईस्ट दिशा में हरे रंग का बल्ब लगाएं और चित्र लगाएं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में मंदिर बनाएं, अपना काम खुद करना सीखें। शनि मेहनत करवाता है, शनि आपका खराब है, आप सीना निकालें अपने शरीर से, कुत्ते को रोटी दें, काले चने 1.25 किलो, शनि की बहन यमुना है, आप उसे नदी में प्रवाहित करें, और 1.25 किलो चने जो वो बना रहे, पोटली काले कपड़े में लपेट के 7 बार उतार के एक पोटली को बहते पानी में बहा दें और एक कप मंदिर में दिया है। दोस्तों बहुत बहुत अनेक तरह की बातें बताने का आपको प्रयास करूंगा, लेकिन मजा जब ही आएगा जब आप दिल से पढ़ेंगे और भाव रखेंगे और ज्ञान की प्राप्ति, दोस्तों ध्यान रख लेना, आसानी से नहीं होती। 6 नंबर, अब 8 बताया, 6 बताता हूं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 6 शुक्र वही है, वही कौन दिशा, नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर होने से, 6 नंबर लग्जरी का है, परिवार के सुख का है, पति पत्नी के सुख का है। अगर किसी की आप ग्रेड में देखते हैं, आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देखे, 6 नंबर कहीं मिस है, तो उसे पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। कितनी आसानी से आप, ये मैं किताबों से देख के नहीं पढ़ा रहा, ये मैं अपने अनुभवों से पढ़ा रहा हूं, आपको सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट ये क्या संकेत करता है? सुविधा, पारिवारिक रिश्ते, बैंक लोन, मित्र मंडल, सहयोग, इन सबके सहयोग का अभाव रहता है,
बैंक से कर्जा नहीं। अब देखिए, ग्रह खराब नहीं हुआ, आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में लग्जरी से संबंधित चीजों का दुरुपयोग किया है। जब जब हम किसी चीज का दुरुपयोग करेंगे और अति करेंगे तो उसके परिणाम भी हमें भोगने पड़ेंगे। जब हमें सीखते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है। जो जल्दी सीख जाता है तो वो अपने कष्टों को अपनी मानसिकता से दूर कर लेता है। अच्छा, कीर्तिवान इनके मित्र होते हैं। 6 नंबर है विद्वान, राज सम्मान, संतान का सहयोग, परिवार का सहयोग मिलेगा। 7 नंबर के मिस होने पे एक बात याद आ गई, ऐसा व्यक्ति जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, अपनी पत्नी की मदद नहीं करता है, अपने परिवार की मदद नहीं करता है। और 6 नंबर किसी के पास होता है तो वो अपने अच्छे परिवार में उसकी शादी होती है। 6 नंबर मिस होने से माता से संबंध ठीक नहीं होते, मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं, भारी खर्चा का तनाव रहता है, क्रोधी स्वभाव रहता है, जिम्मेदारी होती है, दोस्तों और समर्थकों की कमी रहती है, पति पत्नी सुख में कमी रहती है, बैंक लोन पास नहीं होता, ईर्ष्यालु स्वभाव, झूठी शान दिखाने वाला होता है। नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर मिस होने से बीमारियां, सर्दी जुकाम की बीमारी सामना करना पड़ता है, शारीरिक संबंध समस्या होती है, गुप्त रोग, मधुमेह, पेट में गैस, चर्म रोग, छाती में जलन, दिमाग के रोग की संभावना रहती है। पेट में गैस, चर्म रोग, छाती में जलन, अनिद्रा, दमा, खांसी रोग में ग्रस्त रहता है, कफ, मूत्र रोग, मानसिक धर्म संबंधी रोग की संभावना है, पित्ताशय, पित्त की थैली की पथरी, निमोनिया आदि रोग, गले और गुर्दों में संबंधी रोग, महिलाओं को रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं। ये सारी की सारी बीमारी होती हैं, और प्राइवेट पार्टों के अंदर बीमारी भी शुक्र देता है मिस होने पर। पेट का ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, ये सारे के सारे, हर्निया का ऑपरेशन शुक्र के खराब होने से उत्पन्न होते हैं। नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर मिस होने के उपाय, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन तो सबका इलाज है, योग की सूर्य नमस्कार सबका इलाज है। अच्छा, चांदी चावल का दूध का दान करें, माँ दुर्गा या परिवार के देवता की पूजा करें, मांसाहारी भोजन, तेज मसालेदार भोजन का सेवन से बचें, अपने हाथ में गोल्डन चैन की और एक घड़ी पहने। और अनुकूलता क्या होती है, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष, रसोई, गैरेज, भूमिगत, सेफ्टी टैंक या शौचालय नॉर्थ वेस्ट दिशा में अनुकूल होता है। नॉर्थ वेस्ट में मुख्य द्वार व जल स्रोत अशुभ होता है।